गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कि अगर रेजिस्टेंस, पैरेलल और सीरीज दोनों जो कंडीशन है हमारे पास में, दोनों एक ही क्वेश्चन में एक साथ आ जाए तो उन न्यूमेरिकल्स को हम किस प्रकार से सोल्व करें। तो इसके लिए हम पहले मैं एक डायग्राम, एक न्यूमेरिकल बनाता हूँ, ठीक है, और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली अगर कोई कहे क्वेश्चन में कि दो रेजिस्टेंस हैं और वो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद में कहे कि इसके अंदर दो रेजिस्टेंस हैं और वो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, उनमें से एक का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं एक के अंदर दो रेजिस्टेंस है। कुछ इस प्रकार से सपोज करो एक सिस्टम हमारे पास में एक डायग्राम आ जाता है और वो कहे कि पॉइंट ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इनकी कुछ वैल्यू दी हुई हो, सपोज करो 4 ओम, 5 ओम, इसकी मान लेते हैं हम 2 ओम और इसकी मान लेते हैं 6 ओम और ये मान लेते हैं 8 ओम। इसके लिए हमें सबसे पहले इन सभी रेजिस्टेंस पर नामकरण करना पड़ेगा, मतलब नेमिंग करनी पड़ेगी कि इनको कुछ नाम दें। R1, R2, R3, R4 एंड R5, ये इनको मैंने नाम दे दिया। हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है पॉइंट ए टू बी, ए से बी के बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब भी अगर पैरेलल सिस्टम और सीरीज सिस्टम दोनों एक साथ आ रहे हैं जो, तो हम पैरेलल सिस्टम को पहले सोल्व करते हैं। तो पैरेलल सिस्टम के अंदर हम अगर सोल्व करें तो देखो, ये पहला एक रेजिस्टेंस आ गया, दूसरा रेजिस्टेंस। अब पैरेलल सिस्टम के अंदर जाते हमें एक ऐसा पेयर मिलता है जो दोनों एक साथ, दो रेजिस्टेंस एक सीरीज सिस्टम में जुड़े हुए हैं, तो उनको पहले हम किस फॉर्म में लाएं, सिंपली एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करें। तो मैं इसके लिए अगर इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू ये कर दूं R3 + R4, क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसके लिए फॉर्मूला यही होगा मेरे पास में, इसको मैं दे देता हूं R', ठीक है, और ये नीचे की वैल्यू ऐसे कैसे लिख देता हूं, जो भी हमारे पास में R5 है, ये R2 है और ये R1, इसकी वैल्यू हमारे पास में 4, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 8 और इन दोनों की वैल्यू दे रखी है 8 की 2 + 6, ये हो गया 8 ओम। और वापस पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये हमारी पहले स्टेप कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब दूसरी स्टेप पे आते हैं, तो दूसरी स्टेप पे देखो, ये हमारे पास में ये सिस्टम पैरेलल सिस्टम है, इस सिस्टम में दो रेजिस्टेंस है, एक एक का दूसरा भी एक का, एक में पहला जो पेयर है वो R' है और हमारे पास में अगर मैं इसको R" मान लूं पूरे इस पेयर को, पूरे को मैं इसको R" मान लेता हूं, तो ये पहला सिस्टम है। पहला सिस्टम में हम फॉर्मूला ये यूज करते हैं 1/R' या 1/R = 1/R1 + R2। यहां पहला R1 क्या है, R' + R जो हमारे पास में 5 की वैल्यू है, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। पहली वैल्यू कितनी है 1/8 और दूसरी वैल्यू कितनी है 1/8, इसको सॉल्व किया मैंने तो 8 एलसीएम आ गया, 8 1 = 8, 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 + 8 1 = 8, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ये आ गया हमारे पास में R" की वैल्यू। अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो रेसिप्रोकल करूंगा तो ऊपर चला जाएगा R" नीचे 8, ऊपर चला जाएगा अभी 1 × 2 हो जाएगी, कितने जाएगी 8/2, ये वैल्यू जाएगी मेरे पास में 4 ओम और ये पेयर हमारे पास में ये बन गया देखिए, ये हमारे पास में R1 है, ये R2 है और ये R" है, इसकी वैल्यू हमने 4 ओम
इसकी वैल्यू हमारे पास में 5 ओम, इसकी वैल्यू हमारे पास में 4 ओम, और ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब देखो ये तीनों रेजिस्टेंस किस फॉर्म में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, और सीरीज के लिए हम सिंपली फॉर्मूला क्या लगाते हैं, आर बोलते हैं, क्योंकि अब तो तीनों एक हो जाएंगे, तो आर बराबर आर वन आर टू प्लस आर डबल डैश। आर वन की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 5 प्लस 4, ये टोटल कितनी हो गई 13 ओम, आर की वैल्यू 13 आ गई, और ये वैल्यू पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। तो ये इस प्रकार से हमारा सिंपली जब दो रेजिस्टेंस एक साथ, दो रेजिस्टेंस का जो सिस्टम है हमारे पास में सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनको इस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। इसके लिए और मैं एक दो सिंपली डायग्राम बना के बता देता हूँ शॉर्ट में कि किस प्रकार से हम इनको सोल्व कर सकते। देखिए पहले एक सीरीज फॉर्म का एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, उसके बाद में हमारे पास में पैरेलल सीरीज आ जाए, और इस पैरेलल सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है कितने रेजिस्टेंस किसी तरीके से जुड़े हुए हो, ठीक है। इस पैरेलल इस कंडीशन को पहले हम इन दोनों को एक कन्वर्ट करें, और फिर बाद में सपोज करो एक रेजिस्टेंस और लग के फिर एक पैरेलल सीरीज आ जाए, तो इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। देखिए पहले ये रेजिस्टेंस जैसा है ऐसे कैसे रहने दीजिए, इन दोनों को 1:1 कन्वर्ट कर लीजिए, ये ऐसे कैसे 1 रहने दीजिए, इन दोनों को डायरेक्टली ही सोल्व कर लीजिए, और इन दोनों को क्या बना दीजिए 1 बना दीजिए, दो रेजिस्टेंस है पैरेलल फॉर्म में, तो पैरेलल फॉर्म में 1 बना दीजिए इनको, पैरेलल से सीरीज में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इनको नेक्स्ट स्टेप पे इनको कन्वर्ट कर दीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये कन्वर्ट होंगे तो ये भी एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस इससे कैसे आएगा, और ये रेजिस्टेंस इससे कैसे, और लास्ट फाइनल स्टेप में सभी रेजिस्टेंस को एक साथ ऐड कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, हमें पहले सबसे पहले पैरेलल सीरीज को सॉल्व करना होगा। पैरेलल सीरीज में अगर कोई सीरीज अंदर पैरेलल के अंदर कोई अगर सीरीज हमें सीरीज मिल रही है जो हमारे पास में सीरीज फॉर्म है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो सबसे पहले पैरेलल फॉर्म को जो दे रखी है उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में अदर सीरीज को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आज का टॉपिक हमारा इस जो न्यूमेरिकल था वो कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसके लिए आप हमें कमेंट्स में डाल सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर न्यूमेरिकल से या रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो डालें, बाकी सेशन के जो वीडियो है वो कंटिन्यू देखें, तो आपको अप्रोक्सीमेटली लगभग 99% आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।